संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान अत्यंत गुप्त है। भारत के आदिकालीन और वैदिक कालीन ग्रंथों में भी ब्रह्मांड की गुप्त बातों व रहस्यों के प्रति अनभिज्ञता प्रकट की गई है। मानव जीवन की आरंभिक सभ्यताओं का आज के मनुष्य के पास जो प्रमाणिक प्रबोध और तथ्य हैं, उनके आधार पर कहा जाता है कि मनुष्य ने हर बीतती सदी के साथ अनगिनत वैज्ञानिक उपलब्धियां अर्जित की और वह उसी के अनुरूप अपना दैनिक जीवन जीता रहा। परंतु इतना ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने और इतनी प्रगति कर लेने के बाद भी ब्रह्मांड के परम गुप्त सत्य तक पहुंचना संभव नहीं हो सका। इस युग के वैज्ञानिकों को लगता है कि केवल विज्ञान के प्रयोगों के आधार पर ब्रह्मांड के अंतिम सत्य तक पहुंच जाएंगे। वास्तव में ऐसा होना संभव नहीं है। ब्रह्मांड है क्या? सर्वप्रथम आध्यात्मिक और वैदिक दृष्टि से यह जान लेना आवश्यक है। पृथ्वी के अतिरिक्त जितने भी ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड और सामान्य मनुष्य की कल्पना से परे जाकर खोजे गए ब्रह्मांडीय आवरण हैं। वास्तव में ब्रह्मांड उतने में ही समाहित नहीं होता। वैदिक और आध्यात्मिक साधना के बाद भारतीय ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों व साधकों ने माना है कि ब्रह्मांड के वास्तविक केंद्र किसी भी जीव को पंच तत्वों से युक्त उसके जीवित तन के साथ कभी भी नहीं दिखाई दे सकते। पृथ्वी को छोड़ ब्रह्मांड के सभी वास्तविक केंद्र और स्थान केवल जीवात्मा को दृश्य और श्रव्य केवल तभी होते हैं। ब्रह्मांड के गुप्त दुर्गम अनुभव जीवात्मा को भी तब हो पाते हैं जब वह भूलोक में अपनी पूरी जीवितावस्था में आध्यात्म वशीभूत हो। जब वह भूलोक में अपनी पूरी जीवितावस्था में आध्यात्म वशीभूत हो, सांसारिक कल्याण की भाव तरंगों से संबंध रही हो, मृत्यु के बाद मनुष्य अदृश्य ज्योति स्वरूप आत्मांश के रूप में अनंत पथ पर अग्रसर होता है। यह ब्रह्मांड का वही पथ है जहाँ मनुष्य जीते जी कभी नहीं जा पाता, चाहे वह कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति कर ले। आत्मांश के रूप में ब्रह्मांड के इस पथ पर चलने का अवसर सभी जीवात्माओं को नहीं मिलता। इस पथ पर चलने की योग्यता तब मिलती है जब हम पृथ्वी पर जीव के रूप में व्यतीत समय अवधि के सत्कर्मों, परोपकार, करुणामयी भावनाओं पर हितकारी संवेदनाओं और परमार्थ में लगे जीव को मृत्यु के बाद ब्रह्मांड के उन अनंत व गुप्त स्थानों पर विचरण करने और अपने सत्कर्मों की योग्यता के आधार पर उनमें फिर से जन्म लेने का अवसर मिलता है। जो स्थान भूलोक की जीव की कल्पना से भी परे होते हैं, यदि भूलोक में जीवन आध्यात्म आधारित कल्याण भावना के साथ व्यतीत हुआ, आध्यात्मिकता के शीर्ष स्थान को स्पर्श कर लेता है, तो ऐसे में जीव की आत्मा ब्रह्मांड के अनंत व गुप्त स्थानों के संचालक परमात्मा के परम स्थान में जगह पाती है। उसे जन्म मरण के दुष्चक्र से मुक्ति मिलती है और वह स्थिर आत्मानुभव के साथ पारलौकिक आनंद प्राप्त करता रहता है। इसीलिए सभी मनुष्यों को अपना जीवन पर कल्याण व परोपकार में लगाकर आध्यात्मिक चिंतन मनन करना चाहिए। इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति में रमे रहने से मनुष्य को जीवन लोक का हर उपलब्ध आनंद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ उसे चिरकाल तक परम सत्ता के आत्मानुभव में रमने का भी अवसर मिलता है। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आने वाली ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।